గజవదనమ చింత్యం తీక్ష్ణదృష్టం త్రినేత్రం బృహదదురమశేషం భూతిరాజం పురాణం అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. పరంపితా పరమాత్మ భగవాన్ నారాయణ సచ్చిదానంద స్వరూప జోయి సమస్త సంసారకే పాలన సృజన ఏం సంహరణ తీనో కే జో హేతు హై తథా జిన్ పరమాత్మా కీ పావన చరణ శరణ గ్రహణ కర్తే హి జీవకే తాపత్రయ సమాప్త హో జాతే హై. ఐసే భగవాన్ సచ్చిదానంద కే పాద పద్మో మే హమ్ సబ్ మిల్కర్ బారంబార ప్రణామ్ కర్తే హై. नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो ये तीन बीज थे वो ले जाकर के देवताओं ने जैसे ही वहाँ डाला, वहाँ से तीन वृक्ष उत्पन्न हो गए, आंवला, मालती और तुलसी. राजन, ये तीन वृक्ष उत्पन्न होते ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह तीनों वृक्ष स्त्री रूप धारण किए हुए. सरस्वती जी के बीज से रजोगुण वाली धात्री उत्पन्न हुई, लक्ष्मी जी के बीज से शतोगुण वाली मालती उत्पन्न हुई, तथा गौरी जी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई. भगवान जब इन तीन वृक्षरूपी स्त्रीधारी को देखा तो भगवान तुरंत उठ खड़े हुए. भगवान उठकर खड़े हुए तो भगवान ने कुछ कामाशक्त दृष्टि से देखा तो धात्री तथा तुलसी तो भगवान में भी प्रेमानुराग पूर्वक इनकी तरफ देखा, लेकिन जो पूर्व में ही ईर्ष्या से दिया गया बीज लक्ष्मी के द्वारा था वह भगवान से में उतना प्रेम नहीं कर सकी, इसलिए हे राजन उनका एक नाम बर्बरी भी पड़ा. लेकिन भगवान के चरण में अनुराग रखने के कारण ही धात्री और तुलसी ये दोनों भगवान के साथ वैकुंठ लोक को गईं. भगवान में अनन्य प्रेम भक्ति, तभी से कहते हैं कि हे राजन, तुलसी कार्तिक के महीने में तुलसी के मूल में ही, तुलसी के जड़ में ही शालिग्राम भगवान को रख करके व्रत का उद्यापन किया जाता है, पूजन किया जाता है. और हे राजन, न केवल यह तुलसी में के जो वन लगाता है, जो सिंचन करता है, जो तुलसी की देखभाल करता है, वह भी जीवन से मुक्त हो जाता है. जो तुलसी का पत्र मुंह में रख करके जो अपना प्राण त्याग करता है, वह कितने भी पाप क्यों ना किए हों, लेकिन यमराज के दूत भी उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसे भगवान विष्णु लोक की ही प्राप्ति होती है. इसलिए हे राजन, तुलसी का बड़ा ही महत्व है. तुलसी और धात्री अर्थात आंवला, इन दोनों जहां पर ये लगे हों, इनके वन लगे हों, इनके वृक्ष लगे हों, उनके नीचे ही अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी करना चाहिए. यही नहीं, जो तुलसी के द्वारा, आंवले के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो भगवान विष्णु की इनकी माला अर्पण करता है, उसे भी वैकुंठ लोक की ही प्राप्ति होती है. हे राजन, द्वादशी तिथि में और जब तुला की संक्रांति लगी हो, उस समय जो आंवले के वृक्ष के नीचे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह क्यों ना वो उसके पितर नरक में ही वास करते हों, तो वे भी वहां से छूट जाते हैं और वह भी भगवान के वैकुंठ लोक को ही प्राप्त करते हैं. वैसे तो हे राजन, तुलसी और आंवला के चरित्रों को वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं. जिस प्रकार से भगवान विष्णु के गुणों का गायन करना किसी के बस की बात नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है, उसी प्रकार से इनके भी महत्व को नहीं कहा जा सकता है. लेकिन फिर भी अपनी मति अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार हमने वर्णन किया और आपको यह कथा सुनाया. अब जब इस प्रकार भगवान विष्णु लोक चले गए,
तो और हे राजन, इस कथा को जो कहता है और जो सुनता है वह वे लोग भी भगवान के विष्णु लोक को ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हे राजन, यह इस प्रकार से तुलसी जी की उत्पत्ति हुई है। आगे की कथा आप कल प्रातः 7 बजे सुनेंगे। तब तक सभी लोग भगवान के नाम का आश्रय लें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, राधा दामोदर भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।